देखिए, जब आदमी परेशान होता है तभी घर से बाहर निकलता है अपनी परेशानी का हल ढूंढने के लिए। अभी भाई साहब ने बताया कि मोस्टली परेशानियों का हल ढूंढने जाते हैं पंडित के पास में या किसी जानकार के पास में, कि जो बता दे कि हमें दिक्कत कहाँ है, या तो कुंडली दिखाओ या पंडित जी से पूछो, वो अपने हिसाब से उसका उपाय बताते हैं। चलिए वो भी उपाय हमारा हो रहा था। असल में मेन तो हमारा प्रॉपर्टी का काम है, मेरा और पवन जी का, और प्रॉपर्टी का काम हमारा ठीक ठाक है, बढ़िया काम है। लेकिन हमारी समस्या प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई कम थी, हमारे बिजनेस से जुड़ी हुई ज़्यादा थी। हम लोग जीन्स बनाते हैं वुमेन्स की, गर्ल्स की। तो जब हमने जीन्स बनाई और जीन्स बना के हमने बेचने की कोशिश करी तो बिक नहीं रही थी। अब बिक मतलब क्यों नहीं बिक रही थी तो मुझे भी नहीं पता। अब हमने सोचा यार ये काम शुरू तो कर लिया, ये चलेगा कैसे, जिसको भी दिखाएं वो रेट उसके जो लगाता नहीं था। हमने अगर लागत लगाई है मान के तुझे 300 रुपये तो वो कहता नहीं साहब 250 में, अब 250 में कैसे दे दे आपको। हमने पंकज जी से मुलाकात करी, एक किसी की प्रॉपर्टी के लिए ट्रीटमेंट कराया था, तो हमने इनसे ऐसे ही, मैंने कहा एक बार हमारा भी देख लो ठीक है साहब। तो ये गए, इन्होंने वहाँ देखा, चीज़ें समझी और चेंज कराया। अब चेंज क्या कराया कि जिधर हमारी सेल्फ थी जहाँ माल रखते थे वो सेल्फ इन्होंने चेंज कराई, दिशा चेंज कराई, और वो दिशा नॉर्थ में ये लेके आए ठीक है साहब। नॉर्थ में जब हमने सेल्फ वो रखी और अपना माल उसमें रखना शुरू किया, और तब से आज तक 3 साल हो गए हैं, डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है। तो मेरे लिए तो साक्षात भगवान जैसे हैं जो रास्ता दिखा दिया। धन्यवाद।